हो गया यार। तस्वीर भी हमारे पास, लेकिन बात यह है फोटो दिखाना वाली, इतने फिटे मुंह की बात है कि ये जो आपको ये नहीं पता, इतने फिटे मुंह की बात है कि एक ओवर भी मैच का हो गया उसके बाद सर्कल में डिफरेंस देखो कितना है। वो सर्कल वहां 60 मीटर पे, 30 यार्ड का सर्कल नहीं पता तुम्हें, फोटो कर दिखाना। मतलब क्या लानत है आपके ऊपर, क्या मनुष्यता आपने छा रखी है। वहां पे बाबर आजम अलीम दार का मुंह देख रहा है कि तुमने खरा क्या भाई, ये आपको मैच ही फंसेगा और खतरनाक फंसेगा। मैंने आपको ये बताया था कि भाई बाबर जिम्बाब्वे आजम, आप प्लीज ये बात सोचिए कि आपके मतलब यहाँ पे बोर्ड को आप बात करिए। पहले रणवीर राजा बढ़के मारते थे कि वी विल सी इंडिया, इंडिया ये है तो वो है, तो वो है तो ये है, वो बाहर हुए कहते हैं पीसी में, हमने तो ऐसा कुछ बोला नहीं था कि हम नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने। तो अब अगर हम आएंगे एशिया कप खेलने तो क्या आपके लिए इंची टेप लेके आए? कि एक इंटरनेशनल मुकाबले में वहां पर क्या हुआ कि 38 सर्कल की मेजरमेंट ठीक नहीं थी, जिसको पहले ओवर फेंकने के बाद फिर से जो है दोबारा ठीक करवाया गया, और इसी वजह से जो है पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक भी बना, पाकिस्तान की खिल्ली भी उड़ी और सोशल मीडिया पर जो है लोगों ने खूब मजे भी लिए। यूजर्स ने यह तक लिखा कि भाई 38 सर्कल की मेजरमेंट ढंग से नहीं कर पा रहे और आपको जो है एशिया कप होस्ट करवाना है। तो कुछ सामने क्रम, जहां पाकिस्तान की जीत का जश्न पूरे पाकिस्तान में गुज़श्ता रात से मनाया जा रहा है क्योंकि एक शानदार फतह थी, वहीं भारत में भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऐसे जरूर हैं जिन्हें रियल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहा जाता है, जो खेल को समझते हैं। वो पाकिस्तान की तारीफों पर तारीफें कर रहे हैं और हमारी गुज़श्ता वीडियो में आपने बड़े बड़े चेहरों को पाकिस्तान क्रिकेट की तारीफ करते देखा है। फखर जमान के 180 रन की खुलकर तारीफ हो रही है, बाबर आजम के रिकॉर्ड तोड़ बारियां क्रिकेट लवर्स के क्रिकेट क्रेज को मजीद बढ़ा रही है, लेकिन साथ में वहीं कई अंडे भी भारत में ऐसे मौजूद हैं जो इस सारे मजे को, जो इस सारे जबरदस्त मैच को किरकिरा करने के लिए ऐसी घटिया रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो आगे चलकर आपको दिखाएंगे, तो आपको इन बेचारों पर हंसी भी आएगी कि पाकिस्तान क्रिकेट की कामयाबी से कितने खायफ हैं कई लोग। अब गुज़श्ता रोज जहां पाकिस्तान ने ये मैच जीता, वहीं मैच शुरू होने से पहले ओवर के बाद ही एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। वो कुछ इस तरह था कि पिछले मैच की पिच को चेंज करके दूसरी पिच पर यह मैच खेला गया, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स की नाअहली की वजह से वो जो 30 यार्ड का सर्कल होता है वो चेंज नहीं किया गया, यानी दोनों पिचों में जो थोड़ा सा फासला था तकरीबन 7-7 ही थी, तो एक तरफ का जो 30 यार्ड सर्कल था वो थोड़ा कम हुआ 2 या 3 मीटर, जबकि दूसरी तरफ का जो 30 यार्ड सर्कल था वो 3 मीटर बढ़ गया। जब पहला ओवर मुकम्मल हुआ, तलीम डार ने ये देखा तो उन्होंने फौरन ग्राउंड स्टाफ को बुलाकर वो सर्कल ठीक करवाया, यानी 30 यार्ड दोनों तरफ पूरे किए और मैच को दोबारा नॉर्मल तरीके से शुरू किया। इस दौरान तकरीबन 6 मिनट का वक्फा मैच के दौरान हुआ। अब भारत के वो सहाफी जो पाकिस्तान की जीत तो उन्हें हजम होती नहीं, वो इसको इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बना रहे हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनके बारे में लानत तक का लफ्ज यूज करते नजर आए और वो एक घटिया किस्म का उनका सहाफी है, जिसे आगे चलकर आप देखेंगे भी, जिसे ट्विटर पर तो काफी सुनाई जाती है भारत के अंदर से भी, और उसकी जो वैल्यू है जो उसके साथी जर्नलिस्ट उसे छोड़कर चले गए हैं उसके करतूतों की वजह से, वो यही पीछे करतूत थे कि उसकी जुबान नहीं कुछ और मुंह के साथ लगा हुआ है और वो हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट हो खासकर बाबर आजम उसके बारे में हमेशा बकवास करता ही रहता है। अगर आप उसका ट्विटर हैंडल देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की बुराइयां ही नजर आएंगी, बाबर आजम के खिलाफ उसकी लंबी जुबान चलती ही दिखाई देगी। लेकिन खैर, बाबर आजम तो अपनी कारकर्दगी के जरिए उसको अच्छे तरीके से जवाब देते नजर आते हैं। अब इस सारे मामले को इतना उछाला जा रहा है भारत के मीडिया में कि पाकिस्तान की जीत का जो मजा है उसे कम किया जाए, जो पाकिस्तान ने कारकर्दगी दिखाई है, जो फखर जमान ने 180 रन बनाए हैं उसे कम करने की कोशिश की जाए, और झूठ की हद देखिए, वो ये कहता नजर आता है कि एक तरफ तो 25 मीटर का सर्कल था, 25 यार्ड का सर्कल था, जबकि दूसरी तरफ 60 मीटर का सर्कल बना दिया। इस जाहिल को इतना नहीं पता कि दोनों पिचेस जो थी उनमें सिर्फ 2 मीटर या 3 मीटर का फासला था, और इतना ही फासला 30 यार्ड सर्कल का बना है, जिसे अलीम डार ने 6 मिनट के अंदर अंदर ठीक करवा दिया। और इसमें कोई शक नहीं कि ये ग्राउंड स्टाफ की नाअहली थी, ऑर्गेनाइजर की सरजनिश भी होनी चाहिए कि एक इंटरनेशनल मैच में इस तरह की नाअहली क्यों हुई। अब अहम बात यह है कि सारे मामले को एशिया कप के साथ जोड़ा जा रहा है और यही गमाश्ते ये कहते नजर आते हैं कि पाकिस्तान एक तरफ ये नारे लगाता है कि भारत आकर एशिया कप खेले, और दूसरी तरफ उनके ऑर्गेनाइजर्स का ये हाल है कि उनसे 30 यार्ड सर्कल ठीक नहीं होता। अब कहां एशिया कप और कहां इस वाक्य को मिलाकर ये जवाब पेश करना कि पाकिस्तान में तो नाअहली बहुत ज्यादा है इसलिए हम वहां पर एशिया कप नहीं खेलेंगे, बिल्कुल वैसा ही एक जवाब है जैसे मनगढ़ंत जवाब हमारे पड़ोसी पहले ही घड़कर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से राह फरार इख्तियार करते रहे हैं। खैर, आइए आपको लेकर चलते हैं, ये सारी कहानी भारतीयों ही की जुबानी दिखाते और सुनाते हैं कि किस तरह पाकिस्तान को ट्रोल करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, हालांकि पाकिस्तानियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपना एंजॉय कर रहे हैं। पर इतना जरूर है कि हम ये मुतालबा करते हैं कि जिन लोगों की तरफ से ये नाअहली हुई है उन्हें करार वाकई सजा दी जाए। आपके मनपसंद एक आपके मनपसंद खेल क्रिकेट में
आज एक बहुत अनहोनी सी चीज हो गई जो शायद आज तक कभी हुई नहीं है। बताइए, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा ओडीआई मैच चल रहा था, न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रहा था, पहला ओवर हो गया, उसके बाद पता लगा जो 30 यार्ड सर्कल की रिंग बनी होती है, पाकिस्तान का जो स्टेडियम ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने वो 30 यार्ड का सर्कल को लगभग 30 यार्ड से ज्यादा बनाया हुआ था, उसके अंदर एक ओवर भी हो गया। तस्वीर भी हमारे पास, लेकिन बात यह है फोटो भी खड़ा हुआ, इतने फिटे मुंह की बात है कि ये जो आपको ये नहीं पता, इतने फिटे मुंह की बात है कि एक ओवर भी मैच का हो गया उसके बाद सर्कल में डिफरेंस देखो कितना है। वो सर्कल 60 मीटर पे, 30 यार्ड का सर्कल नहीं पता तुम्हें, फोटो कर दिखाना। मतलब क्या लानत है आपके ऊपर, क्या मनुष्यता आपने छा रखी है। वहां पे बाबर आजम अलीम दार का मुंह देख रहा है कि तुमने खरा क्या भाई है। न्यूजीलैंड से आप मैच खेल रहे हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की आप टीम हो, बढ़िया वर्ल्ड कप भी आपने जीते हुए, बड़े नाम हो आप भाई क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर, आपको ये नहीं पता 30 यार्ड सर्कल का है। PSL होता तो वहां पे CCTV कैमरा छोड़े जाते हैं आपके पास, वहां पे आप देखिए ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं कि एशिया कप आ जाए, हम एशिया कप में नहीं, आपको नहीं बुलाएंगे तो मतलब आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। भाई 30 यार्ड सर्कल आपसे बन नहीं रहा। सॉरी, मेरे बड़े पाकिस्तानी दोस्त हैं, बड़ा प्यार भी करते हैं और बहुत सपोर्ट भी करते हैं, और जो बात है वो बात है ना, आप हिस्ट्री में क्रिकेट की कभी आपने ऐसा देखा है कि किसी ग्राउंड में 30 यार्ड सर्कल नहीं पता, मैच शुरू हो गया, एक ओवर करवा दिया आपने, एक ओवर करवा दिया आपने, 30 यार्ड सर्कल नहीं आपको पता, बढ़िया शॉट है, बट अल्टीमेटली मैं आउट हो गया। यस, 49 बोला था, 149 भाई, मैंने बोला था आपको मैच फंसेगा और खतरनाक फंसेगा। मैंने आपको ये बताया था कि भाई बाबर जिम्बाब्वे आजम, आप प्लीज ये बात सोचिए कि आपके मतलब यहाँ पे बोर्ड को आप बात करिए, पहले रणजीत राजा बढ़के मारते थे कि वी विल सी इंडिया, इंडिया ये है तो वो है तो वो है तो ये है, वो बाहर हुए कहते हैं पीसी में, हमने तो ऐसा कुछ बोला नहीं था कि हम नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने, तो अब अगर हम आएंगे एशिया कप खेलने तो क्या आपके लिए इंची टेप लेके आए, रसिया लेके आए, आपके लिए फीते लेके आए, आपका यू नापते हो क्या, वो जो यू करके नापते थे ना पहले, यू नापे आपने या वो, हाँ तो यू करके यू यू मिलाते थे कदम, क्या ऐसे करके, ऐसे करके आगे चले, ऐसे करके आगे चले, यू नापा आपने 30 यार्ड सर्कल, क्या भाई याद आपकी वहां पे प्रिपरेशन है, क्या आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट करवा रहे हो, आपको 30 यार्ड का सर्कल नहीं पता। न्यूजीलैंड के सामने ये बहुत एंबैरसिंग स्थिति है। 30 यार्ड सर्कल साक्षी से घूम के बता दीजिए, 30 यार्ड सर्कल कहां पर है बताइए। पाकिस्तान क्रिकेट की जो है खिल्ली उड़ रही है, पाकिस्तान का मजाक बन रहा है, और ये उस दिन की बात है जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ, भले ही कमजोर टीम न्यूजीलैंड की वहां पर है, कमजोर से मेरा मतलब है कि उनके मेन प्लेयर्स जो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 11 शायद वहां पर नहीं है क्योंकि आईपीएल की कमिटमेंट्स में वो सारे खिलाड़ी बिजी हैं, बट 338 रनों का टारगेट था पाकिस्तान के सामने जिसको पूरा करते हैं, फखर जमान उनके सलामी बल्लेबाज 180 नॉट आउट करते हैं, तीसरा लगातार ओडीआई में शतक लगाते हैं, पर उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक क्यों बना, क्यों उड़ी खिल्ली, ये आपको समझाते हैं, और उसकी वजह है पीछे आप देख रहे हैं तस्वीर, ये आपको समझाएंगे भी क्या कुछ हुआ था। जब मुकाबला शुरू हुआ, पहला ओवर होता है, न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी कर रही थी, पहले ओवर के बाद 6 मिनट की ब्रेक हो जाती है, वो ब्रेक क्यों ही ये तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर, यहां पर आप देख रहे हैं कि ऑनफील्ड अंपायर्स हैं, बाबर आजम भी डिस्कशन करते हैं अंपायर से, खिलाड़ी होते हैं, और फिर ग्राउंड स्टाफ को बुलाया जाता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक इंटरनेशनल मुकाबले में वहां पर क्या हुआ कि 30 यार्ड सर्कल की मेजरमेंट ठीक नहीं थी, जिसको पहले ओवर फेंकने के बाद फिर से जो है दोबारा ठीक करवाया गया, और इसी वजह से जो है पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक भी बना, पाकिस्तान की खिल्ली भी उड़ी, और सोशल मीडिया पर जो है लोगों ने खूब मजे भी लिए, यूजर्स ने यह तक लिखा कि भाई 30 यार्ड सर्कल की मेजरमेंट ढंग से नहीं कर पा रहे और आपको जो है एशिया कप होस्ट करवाना है, तो कुछ